दोस्तों, आपको शराबी फिल्म का मशहूर गाना इंतहा हो गई इंतजार की तो याद ही होगा। ये गाना उस समय काफी मशहूर हुआ था। इस गाने को लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। ये फिल्म उस समय जबरदस्त हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया प्रदा की जोड़ी को देखने को मिला था। जया प्रदा बॉलीवुड की मशहूर अदाकाराओं में शामिल है, जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। फिल्मी करियर के बाद इन्होंने अपना हाथ राजनीति में भी आजमाया, जहां इन्हें सफलता ही प्राप्त हुई। लेकिन दोस्तों, आप जया प्रदा के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनके पति के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इनके पति के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही इस दमदार अभिनेत्री के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारतीय फिल्म की अभिनेत्री जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को हुआ था। ये जब 14 वर्ष की थी तो इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी, पर एक वयस्क के रूप में इन्हें फिल्म सरगम के लिए जाना जाता है। ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने जया प्रदा को रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म में इनके अभिनय को काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें संजोग, काम चोर और शराबी जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। ये फिल्म इनके करियर की सफल फिल्में मानी जाती हैं, जिसके बाद जया प्रदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने अपने एक्टिंग का जलवा न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बरकरार रखा। इन्होंने 1983 की टॉलीवुड फिल्म विश्वनाथ में काम किया था। इस फिल्म में इनकी काफी प्रशंसकों ने सराहना की थी और जिसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और तमिल भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। इन्होंने अपने 30 वर्ष के करियर में कुल 300 फिल्मों में काम किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जया प्रदा थिएटर की मालकिन भी हैं। ये न सिर्फ अपने अभिनय के लिए बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी काफी जानी जाती थीं। इन्होंने अपने दौर की फिल्मों में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया है और ये 70 से 80 के दशक की मशहूर अदाकाराओं में शामिल होती हैं। लेकिन अगर बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम श्रीकांत नहाटा है और ये इनकी दूसरी पत्नी है। इनकी लव लाइफ भी काफी दिलचस्प है। 80 के दशक में हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जया प्रदा को तगड़ा झटका तब लगा जब इनके घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इस बुरे वक्त में जया प्रदा की मदद के लिए प्रोड्यूसर श्रीकांत नहाटा पहुंचे। उन्होंने जया को पूरा सपोर्ट किया, जिसके बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे जया और श्रीकांत की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और 1986 में दोनों ने शादी कर ली। 7 फेरे लेने के बाद भी जया को कभी पत्नी का दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि श्रीकांत पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने जया से शादी तो कर ली, लेकिन अपनी पहली पत्नी को उन्होंने तलाक नहीं दिया। दोनों की शादी को लेकर काफी विवाद भी हुए और बॉलीवुड के गलियारों में इन्हीं की चर्चाएं होने लगीं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जया प्रदा से शादी के बाद श्रीकांत को पहली पत्नी से बच्चे हुए। शादी के बाद जया और श्रीकांत की कोई संतान नहीं हुई, जिसकी वजह से जया ने अपनी बहन के बेटे सिद्धू को गोद ले लिया और उनके इस फैसले से इनका बॉलीवुड करियर लगभग खत्म हो गया। तो दोस्तों, क्या जया प्रदा का श्रीकांत नहाटा से शादी करना सही था या गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।